क्या चुन रही हो? शीशा टूट चुका है। तस्वीर तो सलामत है। असली तस्वीर मिट चुकी है। कुमार साहब प्लेन के हादसे में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। पेपर की न्यूज गलत नहीं हो सकती। सब कुछ तुमने किया है। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। जो काम तुम ना कर सकी वो हमने पूरा कर दिया। तूने मेरे पति की जान ले, जलील कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी, aren't you going to give us a party, Usha? We want a party! 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 We It's so beautiful to know that he loves you. So beautiful to know that he cares. And when you know that he loves you, all the world seems to be gay. Brightness of day,
बापू दवाई नहीं है। पर घर ही में तो थी दवाई। थी तो बापू, पर अभी नहीं है। मैं दुकान से लेकर आऊँ। जा लेकर आओ। अरे बहुत दर्द है। सुनिए, ठहरिए ठहरिए, रुकिए ना, सुनिए, ठहर जाइए। क्या बात है, आप बड़ी परेशान और घबराई हुई नजर आ रही हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे केमिस्ट की दुकान पर जाना है। तो आइए मैं आपको छोड़ दूँ। जी जी हाँ, इस वक्त आपको बस या टैक्सी तो मिलेगी नहीं। आइए आइए आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आपकी माता जी की तबीयत क्या खराब है? जी उनको ज्यादा हंसने या ज्यादा रोने पर दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है। दुकान तो बंद है, शायद दिवाली की वजह से। अब क्या होगा? आपको कौन सी दवाई चाहिए? स्मेलिंग सॉल्ट। वो तो मेरे पास भी है, आप कहें तो घर से दे दूं। इस वक्त और तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। आइए। ये आपका घर है? ये तो महल है। कहने को ही महल है। आइए। मैं दरवाजा खोलता हूं। आइए। मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, आप दवाई यहीं भिजवा दीजिए। आप यहाँ खड़ी रहेंगी ये अच्छा नहीं लगता। दिवाली की रात है, मेहमान का घर आना लक्ष्मी के बराबर है। अब यहाँ तक आई गई हो तो घर भी देख लीजिए, मेरा मतलब है महल। आइए, घबराइए नहीं, चलिए। बड़े महल में क्या आप अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत से ख्याल भी रहते हैं। आप ठहरिए, दवा लेकर आता हूं। आप खामखा घबरा गई, ये महल के कुत्ते हैं, भौंकते हैं काटते नहीं। आइए आइए, चलिए ना, आइए आइए, आपको दवा दें, चलिए आओ। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इलाज के लिए। दवाई कहाँ है? मुझे दवाई दीजिए ना। दवाई भी मिल जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? बैठो। नहीं, मुझे जाने दीजिए, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। जाने कैसे दी? जानती हो आज दिवाली की रात है और मैं न जाने कब से तुम्हारे लिए अपने दिल का दिया जला चुका हूँ। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? ऐ हिम्मत, कूद जाओ, जाओ। मैं तुम्हें शरीफ समझकर तुम्हारे साथ आई थी, छोड़ो मुझे। मैं भी तुम्हारी खूबसूरती की एक जमाने से पूजा कर रहा था, तुम्हारी सूरत अपनी उम्मीदों की तस्वीर से मिला मिला के देख रहा था। मैं तुम्हारे गंदे बालों से नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। छोड़ कैसे दो, एक मुद्दत की तमन्ना के बाद तुम मेरे हाथ आई हो। खबरदार, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। मैं
नतीजा जानता हूँ। हट जा, नहीं तो गोली चला दूंगी। तुम गोली चला सकती हो। मैं एक बार फिर कहती हूँ, हट जा मेरे रास्ते से। चलाओ गोली। जलील, कमीने! अब तुम कुछ भी कहो, तुम मेरे काबू में हो। अब तुम इस महल की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि तुम खूनी हो। खूनी? मैंने किसका खून किया है? देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। बहू तुम्हारी शक्ल। ये किसकी लाश है? ये राजकुमारी उषा है जिसका तुमने खून किया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं भला इसका खून क्यों करने लगी? अमीर बनने के लिए। तुम जानती थी कि इसकी सूरत तुमसे अच्छी तरह मिलती है और ये बहुत जल्द बे इंतहा दौलत की मालिक बनने वाली है, इसीलिए तुमने इसे मार डाला। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ अब सच है क्योंकि पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान और लाश के सीने में इस पिस्तौल की गोली मौजूद है। इसलिए अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, वरना। वरना क्या? वरना मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगा और वो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर तुम्हें अदालत में पहुंचा देगी और अदालत तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देगी। फांसी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझ पर तरस खाओ, मेरी बूढ़ी माँ पर तरस खाओ। तो फिर आज से तुम प्रिंसेस उषा हो। ये महल तुम्हारा है, मिलने वाली बे इंतहा दौलत भी तुम्हारी है। नहीं, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो किसी के खून की कीमत बन जाए। औलाद को माँ बाप से जुदा कर दे, मुझे अपने माँ बाप के पास पहुँचा दीजिए। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी दौलत मिलने से पहले मर जाना अच्छा है। अच्छी बात, देखता हूँ तुम कैसे जिंदा रहती। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, पैलेस में खून हो गया है, फौरन आ जाइए। क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौत का सामान। आखिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि तुम मौत से खेलना चाहती हो। तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मौत कितनी भयानक होती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे माँ बाप मेरे बिना मर जाएंगे, मैं उनका एक ही सहारा हूँ। मैं तुम्हारे पांव पर थी, उन पर तरस का। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। किरण, किरण अभी तक नहीं आई। वो दवा लेने गई है, अभी आती हूँ। अरे क्या दवा लाने गई है? आधी रात हो गई है, दवा लाने गई है। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गई है। नहीं, उसे कोई मुसीबत नहीं। नहीं, नहीं, तो कोई मुसीबत नहीं, नहीं, वो जरूर मुसीबत में फंस गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? जी हाँ। आइए, कहिए कैसे तशरीफ लाए। मिस्टर अजीत, मैंने इस वक्त आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूँ। अभी अभी एक टेलीफोन आया था कि महल में खून हो गया है। खून? जी हाँ। कमाल है, लोग आजकल पुलिस वालों से भी मजाक करते हैं। महल में मेरे और प्रिंसेस के सिवा कोई भी नहीं। खून किसने किया, कैसे किया? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन खून किसी ने किया है जरूर। बाय द वे, ना ही मुझे आज गेट पर कोई दरबान मिला और ना ही यहाँ कोई नौकर चाकर दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब छुट्टी पर है। आज सबने जबरदस्ती दिवाली की छुट्टी मनाई। जबरदस्ती? जी हाँ, क्या बताएं, जमाना ही बदल गया है। आप तो जानते हैं कि आजकल जरा जरा सी बात पर हड़तालें हो जाती हैं, जुलूस निकलते हैं, काम बंद हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। क्या मैं प्रिंसेस से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बात दरअसल यह है कि आज वो स्विमिंग कंपटीशन पर गई थी, बहुत थक गई इसलिए जल्दी सो गई। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जगा देता हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा अगर आप कल सुबह उनसे मिल लें। अगर इस वक्त जगा दिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी।
ये देखिए, बड़े लोगों के शौक हम जैसे लोगों को रात भर सोने नहीं देते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आइए। मैंने आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, मैं भी नौकरी है। मेरी नजरें तुम्हारी समझ से ज्यादा दूर देखती। अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो इस पर्दे के पीछे नहीं, मौत के पर्दे के पीछे छुपा दी जाओगी, समझी? मेरे जाल में आई हुई चिड़िया उड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके पर कतर देता हूं। तुम्हारी ये लंबी जुल्फ जो तुम में और प्रिंसेस उषा में दीवार बनी खड़ी, मैं उनको हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मेरे मैं तुम्हें ये बात नहीं करने दूंगी। कौन है ये लोग? सर ये महल के नौकर हैं। शराब के नशे में एक बंगले की दीवार तोड़कर ट्रक उसमें घुसा दी। साहब जी, हमने बंगले के अंदर तो घुसा दिया पर फिर दीवार ही गिराई थी, पर को नीचे नहीं लिया मेरे यार। ओनली फोर हैंड सर, चार मुर्गी मर गया। आठ चूना शराब, शराब पीकर दीवार तोड़ने के लिए छुट्टी ली थी तुम लोगों ने? हमने कहा छुट्टी ली थी, हमको तो जबरदस्ती छुट्टी दी गई। हमारे तो दिवाली के लड्डू भी डूब गए। लड्डू लाडू लाडू लाडू। तो तुम लोगों को जबरदस्ती छुट्टी दी गई थी? घर से जबरदस्ती निकाला गया। बिल्कुल समझा ऑफिसर, कम विद मी। ओ मेरे यार, देखा फिगर मत कर, मैं अभी सबको छुड़ाता हूँ। तो छुड़ाओगे? छोड़ने का ऑर्डर हो गया। ओ बच्चे दिए थे मेरे यार, तेरे बच्चे तेरे सारी बेहूदी। अरे कैमरे मारो, जो ब्लडी ड्राइवर जो जिसने ये कंडीशन बनाया। अरे चले कंडीशन क्यों ला। अरे मोटू नजर नहीं आता, टक्कर मार दी। हाँ मोटू के बचे, तुम्हें नजर नहीं आता सामने से गाड़ी आ रही है, तुम पीछे नहीं हट सकते थे। लो एक को गिरा दिया, दूसरे बातों से उड़ा दिया, तुम सबको पुलिस स्टेशन ले गए। कहाँ लेके जाऊँ? मिस्टर राम सिंह। यस, व्हाट इज योर नेम प्लीज? मिस्टर राम सिंह नो, यही बोलता हूँ। देखो राम सिंह, मेरे को बहुत भूख लगा है, मुझे लंच दो, नहीं तो ब्रेकफास्ट दे दो, नहीं तो डिनर ही दे दो। तू बैठ, नहीं तो बाथरूम में बंद कर दूंगा। अच्छा सुनो, ये तो बोलता था, और नहीं तो डांट ही दे दो। जल्दी का काम शैतान का होता है। थैंक यू। छोड़ो मुझे जाना है। मुझे खाना है। मैं जाने दो, मेरे को दो। ये नाश्ता सरकार के लिए जा रहा है, इसे छोड़ दो, जाने दो। ये नाश्ता प्लीज गो। मैं कहता हूँ यहाँ बैठ, नहीं तो फिर बाथरूम में बंद कर दूंगा। मिस्टर राम सिंह, व्हाट इज योर नेम प्लीज? राम सिंह। थैंक यू राम सिंह। मिस्टर राम सिंह, तुम हमको डांटी मत दो, तुमने हमको खाना नहीं दिया, तुम हमको ब्रेकफास्ट नहीं दिया, डिनर नहीं दिया, लंच नहीं दिया, डांटी क्यों देता है? तुमको पता है क्या हम देगा? हम चक्कर आ गया। ले जाओ इस नमूने को।
बंद कर दो इसे सर्टन क्वार्टर्स में, सॉरी सर्वेंट्स क्वार्टर्स। ये क्या चाय लाने का वक्त है? कहां मर गए थे तुम लोग सब? खड़े हो तुम ये? आओ मेरे साथ। कहां? ऊपर राजमहल में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। पता नहीं रात भर उसकी क्या हालत हुई होगी। बेवकूफ लड़की, इतना नहीं समझती कि मैं तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर क्या से क्या बना देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं बनना। कैसे नहीं बनना? चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें गरीबी की कीचड़ से उठाकर इस जन्नत में लाया और तुम फिर वापस उसी कीचड़ में जाना चाहती और देखना चाहती हो? आओ। ये देख, ये कीमती पोशाकें, ये हीरे जवाहरात, ये ऐश और इशरत के सामान सब तुम्हारे कदमों में। कल तक तू इनकी मोहताज, आज ये तेरे मोहताज। बेवकूफ लड़की, तू दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत प्रिंसेस उषा है। ये महल, यहाँ की हर कीमती चीज नौकर चाकर सब तेरे एक इशारे के गुलाम। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दीजिए भगवान के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ बैठ, बैठ जाओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम्हारी सालगिरह ना हो जाए तुम्हें इसी महल में प्रिंसेस उषा बनकर रहना होगा। और जिस वक्त तुम इस दौलत की मालिक बन जाओगी जो कि तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हें मिलने वाली, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सालगिरह कब है? आज से तीसरे दिन। बहुत वजन है, आदत पड़ जाएगी। चुप चुप। चलना भी नहीं आता क्या? सीधे चल, चल। ऊंची एड़ी है, हाई हील है, हाई हील। बैलेंस करके चलो, साइकिल ही चलाया कभी? एकदम सीधे। सांस लो। मुझे नहीं चाहिए। शहजादी साहबा, एक ये तंदूरी चिकन है, प्लीज टेस्ट। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी बिरयानी ले जाना, नहीं चाहिए। ऑल राइट सर। मुझे दाल चाहिए। दाल? हाँ हाँ हाँ, दाल ला। कितनी गलत दाल थी। आप जाइए ड्रेसिंग करके आइए, जाइए। सॉरी सर, हमारे खता बिल्कुल ये थी। सॉरी का बच्चा, रात भर तुम सबने शराब पी और अभी तक नशा नहीं उतरा है। दान से जी सरदार। कहां थे तुम लोग रात भर? हमें तो रात भर ड्राइवर ने जेल में छड़वा रखा था सरकार। तुम भी साथ थे? मैं तो इन सबको सुबह छुड़ा कर आया हूँ सरकार। सबका हिसाब करो, इन्हें नौकरी से निकाल दो। कौन है तू? जीत मालन की लड़की हूँ, जबकि मेरा नाम है। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से पहली बार फूल लगाने अच्छे लगे ना। बस बस बस, जबान बहुत चलती। एक काम कर, अगर तुझे प्रिंसेस की खास नौकरानी बना दें तो। जी उल्टा काम अच्छी तरह करेगी ना? अच्छी तरह करूंगी, बहुत अच्छी तरह करूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही। बस बस बस, पहले ज्यादा बात करने की आदत कम कर। कम कर दूंगी, बिल्कुल कम कर दूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। चलो जाओ, ये गंदे कपड़े उतार कर और महल की ड्रेस पहन कर आओ। जाओ। अरे ये यतीमों की तरह कहाँ जा रहे हो, दरवाजा तो खोलते जाओ। साला तेरी वजह से हमारा नौकरी गया, तू भी सड़ेगा इधर। ए राम। ये
आप जितनी गर्म हो रही है, अगर उतनी आप नरम हो जाए तो फिर कुछ बोलू। हाँ बोल। अजी क्या बोलूं? बात यह है कि मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, कुछ लोग मुझे यहाँ लाए मगर मेरी सफाई करके खुद साफ हो गए। अब मुझे समझ आती कि मैं किसकी सफाई करूँ। अगर आप मुझे यहाँ नौकर रखवा दे तो सारी उम्र आपकी सफाई करता रहूंगा, मेरा मतलब है कि आपके घर की। बच्चे वाला है क्या? अजी अभी तक तो दूसरों को ही माई बाप कहता हूँ और मर्दमशुमारी के दफ्तर में कंवारा ही लिखा गया हूँ। अच्छा अच्छा रहने दो, बातें मत बनाओ। इसका मतलब है कि आप भी कंवारी हैं? हाँ हाँ, कहा ना नौकरी होगी तो रखवा दूंगी। अब जाओ ना, मुझे कपड़े पहनने हैं। मुझे भी तो पहनने हैं, मैं अपनी तरफ पतलून उठा लूँ, इसमें कॉकरोच घुस गया था, ये कमीज भी। सुनो मुझे अपने पास रख लोगी ना, मेरा मतलब है रखवा लोगी ना? हाँ हाँ कहा ना, अब जाओ नौकरी होगी रखवा दो। प्रिंसेस उषा मुबारक, मिसेस जोन्स आप जा सकती हैं। आपको अपने और पराये सभी मुबारकबाद भेज रहे हैं, दूर दूर से आपकी सालगिरह की बधाई आ रही है। ये जी ये बेलापुर के राजकुमार का तार, वो आज ही पधार रहे हैं। बेलापुर के राजकुमार, ये कौन है? आपके मंगेतर, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। मेरी शादी? जी हाँ, आप दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, ना जानती हूँ ना पहचानती। तुम फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सिर्फ ये गाना याद कर लो। प्रिंसेस उषा, ये गाना आप दोनों बचपन से गाते चले आ रहे हैं। खड़े रहो, वो तुमसे मजाक कर रहे हैं। मगर ये कैसा मजाक है? वो हमेशा ऐसा करते हैं, वो देखो। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे, डरती क्यों हो? सीधी खड़े रहो। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? हाँ सरकार, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, इसलिए आपसे नाराज हो गई। ओह आई एम सॉरी, दरअसल मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसे काम में फंस गया कि देखो तुम्हारे फेवरेट सिगरेट लाया, हैव अ सिगरेट। मैं सिगरेट नहीं पीती। क्या सरकार, बात यह है तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने सिगरेट को हाथ लगाने के लिए एकदम मना किया। तो आपने मुझे पहले इत्तला क्यों नहीं दी कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं? मैं फौरन आ जाता। अब आप आ गए, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आइए चलिए।
डॉक्टर ने क्या कहा? सरकार, घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए गई थी, जरा देर हो गई, परवाह की नहीं, सर्दी लग गई होगी। बैठो डार्लिंग, ये बैग यहां किसने रखा? सरकार, मैंने रखा है। बदतमीज, ये बैग रखने की जगह? सरकार, आपके इस महल में हर चीज ऐसे रखी हुई है कि और किसी चीज के रखने की जगह ही नहीं है। बकवास बंद करो। चमकी 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 चमकी, इस गधे को बताओ कि सामान कहां रखा जाता है। जल्दी बोलो, ये कोई सामान रखने की जगह है? इसलिए ये डायरेक्टर इन्होंने भी बोले हैं। चलो उठाओ, सरकार तशरीफ रखिए, बैठो डाले। महल के और नौकर कहां? सरकार, वो बहुत बदतमीज हो गए थे, दिवाली की छुट्टी थी, खूब शराब पी गए, रात भर लॉकअप में रहे, महल की बदनामी के डर से मैंने उन सबको निकाल दिया और नए नौकर रख लिए। डार्लिंग, अपने कुत्ते से डर गई? सरकार, जब से गला खराब हुआ डॉक्टर ने कहा है कि कुत्तों को इनके पास नहीं आना चाहिए। और सरकार, आपके इंतजार में सुबह से इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। वेरी गुड, मैं अभी तैयार हूं। तुम्हारी घबराहट मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। तुम्हें इतनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। राजकुमार से तुमने इतनी देर में एक बात भी नहीं की। किसी पराया आदमी से मुझे बात करते हुए शर्म आती है। पराया कैसा, ये भूल जाओ कि वो पराया आदमी है, और ये याद रखो कि वो तुम्हारा राजकुमार है और तुम्हें चाहता है। लेकिन लेकिन मैं क्या? खामोश, अगर तुम आजादी चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें राजकुमार के नजदीक होना होगा। कोशिश करो कि जितना भी नजदीक हो सके, नजदीक से नजदीक और नजदीक। और कितना नजदीक? शट अप, तुम ना जा रहे हो। सर, आप ही बोलो ना, जितना नजदीक हो सके। और शट अप, आउट की धरी। शट अप, और तुम्हें इसलिए नजदीक होना होगा कि सारी दौलत जिस सेफ में है उसका नंबर या तो प्रिंसेस उषा जानती थी या राजकुमार को मालूम है। तुम्हें किसी भी हालत में ये नंबर उससे पता करना होगा। चमकते हैं आकाश पे दो तारे, सदियों से चमकते हैं। एक तेरी मुहब्बत का, एक मेरी मुहब्बत का, चमकते हैं। देर न कर तुझको, सीने से लगा लूं मैं, दिल को तो संभाल। जब मिलता है दिल से दिल, दो जान खनकते हैं। एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का।
पंजा लड़ाया है या आंख लड़ गई है जी? डार्लिंग तुमने तो कहा था कि जीते जी कभी अलग नहीं करोगी, फिर भी उतार दी, कहीं दिल से तो नहीं उतार दी? मगर क्या, प्यार की निशानी जिसका कोई नामो निशान नहीं है। साफ साफ बताइए ना। अरे एंगेजमेंट रिंग कहीं उतार कर फेंक तो नहीं दी? नहीं सरकार, स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जाते वक्त उसे उतार कर लॉकर में रख दिया था ताकि गुम ना हो जाए। उस अंगूठी को तो ये अपनी जान से भी बढ़कर समझती। वेरी गुड, तो फिर उसे लॉकर से निकाल कर पहन लो। वाह सरकार, एंगेजमेंट रिंग और अपने हाथ से पहने, ये तो आप ही का हक है। दैट्स अ गुड आइडिया। चला लास्ट नंबर क्या है जी? मुझे, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ, शायद आप ही को नहीं मालूम। आ, 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 ये देखो। कल तुम्हें सारी जायदाद के मालकिन बन जाओगी, हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है कि नहीं? हा? जी सर, आप ही का होगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा याद दिलाने वाली प्यार की निशानी।
राजा साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि प्रिंसेस उषा की 21वीं सालगिरह पर उनको सोने में तोला जाए और वो सोना दान दे दिया जाए। प्रिंसेस उषा तशरीफ लाइए। दौलत खैरात में नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? वो इसलिए कि वसीयत नामे के मुताबिक ये दौलत अभी राजकुमारी की नहीं हुई है। सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लीज, ये वसीयत नामा राजा साहब का है जिस पर दस्तखत साहब के राजा हैं। आई एम सॉरी, राजा साहब के दस्तखत मौजूद हैं। राजा साहब ने वसीयत की है कि मेरी सारी दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और नकद रकम जायदाद राजकुमारी उषा को उसी वक्त में मिलेगी जब वो राज किशोर से शादी कर लेगी। अगर शादी नहीं हो सकी तो सारी दौलत चैरिटी में दी जाएगी और राजकुमारी को पहले से 3000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती रहेगी और शादी के फैसले तक सारी दौलत रिजर्व बैंक में महफूज रखी जाएगी। सर, ये पिस्तौल की गोली और ये बाल इस बात का डेफिनेट प्रूफ है कि पैलेस में जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वहां पर खून हुआ था? सर, हमें भी टेलीफोन पे यही इत्तला मिली थी। ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन किसका खून, किसने मारा, कौन मरा, कुछ भी तो नहीं मालूम हमें। यू आर राइट सर, बट द रॉन्ग थिंग इज कि बर्थडे पर जब सोना और जेवर पुलिस ले गई तो राजकुमारी तो बेहोश हो गई मगर सेक्रेटरी के पसीने छूटने लगे और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। सेक्रेटरी? सर, आप माने या ना माने मगर मुझे लगता है कि सेक्रेटरी इस बात में पूरा उलझा हुआ है और राजकुमारी पर उसने काबू पाया हुआ है। ऐसा है तो तुम्हें वहां पहुंचकर उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सर, अब वहां जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। एक CID इंस्पेक्टर के लिए कैसे भी वहां दोबारा पहुंचना मुश्किल नहीं, समझे? सर, मुझे CID ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। विल यू प्लीज शट अप एंड गो। यस सर। उषा डार्लिंग, ये क्या हालत बना रखी है? तुम नाश्ते पर भी नहीं आए, आखिर बात क्या है? सरकार, भरे मजमे में जिसकी बेइज्जती हो जाए उसकी और क्या हालत होगी। बेइज्जती कैसी? सारी दौलत नजर के सामने से उठ गई। हद तो यह है कि जिस सोने में तोली जाती उसे भी वो लोग उठाकर ले गए, हर चीज से महरूम कर दी गई। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? शादी के बाद तो सब कुछ ही निकाह है। मैं अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सबसे पहले शादी का इंतजाम करता हूं। शादी? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं सरकार, ये हिंदुस्तानी लड़कियों का खास अंदाज होता है, यहां भी ना की तरह करती और ना हां की तरह। डार्लिंग बी हैप्पी, मैं सॉलिसिटर के पास अभी जाता हूं। लेकिन क्या दया हो रहा है? मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। बचपना ना करो, लो सेब खाओ। आखिर तुम समझती क्यों नहीं कि शादी के बगैर ना मुझे दौलत मिल सकती है और ना तुम्हें आजादी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं उसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें ये शादी करनी होगी। लेकिन ये शादी सिर्फ दिखावे की होगी, मैं तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो।
किसने कहा था आपसे अनाउंस करने के लिए? आपने खड़े होकर सारा वसीयत नामा पढ़ दिया और सेरेमनी का सत्यानाश कर दिया। किसने कहा था आपसे ये करने के लिए? मैं पूछता हूं, किसने कहा था आपसे ये करने के लिए? क्या वसीयत नामा फिर कभी नहीं पढ़ा जा सकता था? आप जानते हैं कि आपकी धरती का बच्चा क्या हुआ? प्लीज प्लीज कुमार साहब, टेंशन बहुत हो गई है, जरा मैं गोली खा लूं। आप यहां पर गोलियां खा, वहां राजकुमारी की हालत खराब है, रात भर सोए नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया। आपको वसीयतनामा पढ़ने के बजाय सड़क पे खड़े होकर गोलियां बेचनी चाहिए। ठहरिए कुमार साहब, ये जाती मामला हो गया। अच्छा आप बताइए, आप प्रिंसेस से प्यार 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 करते हैं? तो क्या मैं आपसे प्यार करता हूँ? प्लीज कुमार साहब, मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ। आप क्या कन्फर्म करेंगे? आपका दिमाग खराब हो गया है, इतने वर्षों से आप ये नहीं जानते कि राजकुमारी से मेरी शादी तय हो चुकी है। तो आप प्रिंसेस से शादी करने को तैयार हैं? और प्रिंसेस भी आपसे शादी करने को तैयार है? आप मुझसे ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? कुमार साहब, ड्रामा मैं नहीं कर रहा, ड्रामा वो लड़की कर रही जिसका नाम प्रिंसेस है। उसने ये वसीयतनामा खुद लाकर मुझको दिया था कि सेरेमनी के दिन आकर अनाउंस कर देना। दरअसल वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपको तो ना सर हुआ ना प्राइज, और वो खुद होश हो गई। इसमें वकील क्या कर सकता है? प्रिंसेस ने आपको वसीयतनामा खुद लाकर दिया था? डेफिनेटली प्रिंसेस ने वो वसीयतनामा खुद आपको लाकर दिया था? जी डेफिनेटली। वकील साहब, आप क्या कर रहे हैं? सॉरी मैडम, ऑलराइट, टू मच। ये अदालत हो गई, ऐसे ऐसे अनोखे नाजो अंदाज से मार डालूंगी। क्या हुआ? वाह वाह वाह, तड़पा कर पूछ रही हो, क्यों तड़प रहे हो? इन्हीं अदाओं पर तो मिट गए। वसीयतनामा खुद सॉलिसिटर को देकर कहा कि सालगिरह के मौके पर पढ़ दिया जाए ताकि शादी साथ ही अनाउंस हो जाए, और खुद ही बेहोश हो गई। अच्छा सरप्राइज दिया, क्या अदा दिखाई। क्या सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसीलिए तो मेरी जान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। एक मिनट। ये देखो, देख क्या रही हूं, इसे भी गले से लगा लो और खुद भी गले लग जाओ। सरकार, शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए मैंने पंडित जी को बुला लिया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। कौन सा मुहूर्त निकाला है महाराज? ऐसा मुहूर्त निकाल रहा हूं बच्चा, जो शत्रु को खा जाए कच्चा। आप शत्रु को गोली मारिए और सीधे सीधे बताइए कि चक्कर क्या है। अरे चक्कर यह है बच्चा कि कन्या में राहु है और राहु में कन्या है, अर्थात कि मुहूर्त में समय अड़ा हुआ है और समय में शनिचर अड़ा हुआ है। आप इतवार को देखिए, आप शनिवार के पीछे क्यों पड़े हुए? पंडित जी, आपको लगन के मुहूर्त के लिए बुलाया था, आप ये किन बखेड़ों में पड़ गए? अजी ये धन का घर जरा कमजोर ही नजर आता है। धन का घर और मजबूत हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। अजी मजबूत करने के लिए जरा ज्यादा ही चिंता करनी पड़ेगी। पंडित जी, ये धन का घर कौन सा है? अजी ये रहा खाली है, तो आप इसे काट दीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जब कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता तो कुछ दिन और ठहर जाइए। निकलेगी क्यों नहीं, आप शुक्रवार का दिन देखिए। इस बार में मुझे लाभ दिखता महाराज, दिन तो अच्छा नहीं है मगर रात अच्छी है, दिन का उपाय करना पड़ेगा। अब ऐसा कीजिए कि पंडित जी के लिए पूजा पाठ के लिए स्थान चाहिए। सब इंतजाम हो जाएगा। आपका प्यार तो बहुत खतरनाक है। डालिंग, ये पहली बार तो नहीं है।
मेरी तो जान निकल गई थी, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। ये कब से? जब से मैं वो नहीं रही जो थी। आपको नहीं लगता मैं बहुत बदल गई हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि तुम बदल गई हो। तभी तो लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। देखिए ना, मैं सिगरेट नहीं पीती, मटन को हाथ नहीं लगाती, शराब नहीं पीती, औरत की आजादी को अच्छा नहीं समझती, फिर भी आप मुझे प्यार करते हैं। उषा, अब मैं तुम्हें ज्यादा चाहने लगा हूं। क्यों? इसलिए कि पहले मैं तुम्हारा आशिक था। आशिक को अपनी महबूबा की सब बधाई पसंद होती, और मर्द को अपनी बीवी की सादगी। आप कितने भोले हैं, कभी कभी तो मुझे आपके भोलेपन से डर लगता है। कमाल है, भोलेपन से भी डरती और प्यार से भी डरती हूँ, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। हाँ तो वो अपने नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, वो मुझे चाहते हैं। जिसे जानते भी नहीं उसे चाहने क्यों लगे? इसलिए कि असली उषा मर चुकी है। लेकिन उसका रूप जिंदा है, उस रूप के धोखे में अब तक उसी को प्यार करता है, तुझे नहीं। लेकिन हमने जिंदगी से समझौता कर लिया है, उन्हें रूप चाहिए और मुझे प्यार। समझौता धोखे से नहीं किया जाता। तुम राजकुमारी उषा बनकर उन्हें धोखा दे रही हो। मैं राजकुमारी उषा बनी नहीं हूँ, बनाई गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके प्यार की चोरी कर लो। मैं चोर नहीं हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं मजबूर हूँ। मजबूर किसी का प्यार नहीं छीनते, मजबूर किसी की दौलत पर कब्जा नहीं करते, मजबूर किसी के जेवर अपने गले से नहीं लगाते। भाग जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। मैं कहती हूँ चली जाओ, मैं कहती हूँ चली जाओ। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी।
मचा रखा है। सरकार, महल में अलार्म बज रहा है। हमने भी सुना है, अलार्म मत करो। खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हो? क्या बात है देखो? अजीत सिंह, क्या बात है? किशोर कैसा? कुछ नहीं सरकार, कोई महल का दरवाजा खोलकर बाहर गया है, इसलिए अलार्म बज गया है। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। उषा के खूनी को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? प्रिंसेस उषा की लाश अभी तक मेरे पास मौजूद है। लाश? हाँ, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब तक दौलत मुझे नहीं मिल जाएगी, ना तो लाश ठिकाने लगाई जाएगी और ना तुम ही चैन से रह सकोगी। खबरदार, आइंदा जो भागने की कोशिश की तो सीधी फांसी के फंदे पर पहुंचा दी जाओगी, समझी? चलो। चोरों की तरह महल से भागने की क्या जरूरत थी? औरत अपनी पाबंदी की जंजीर उसी वक्त तोड़ती है जब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ जाए। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो फिर आधी रात को किससे मिलने गई थी? जवाब दो। मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। तुम गलत समझ रहे हो। मैं ठीक समझ रहा हूं। जब से मैं इस महल में आया तो मैं बहुत सी तब्दीलियां देख रहा हूं और आज इसलिए मैं इस महल और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं ताकि तुम्हारी आजादी में और रुकावट ना बन सके। नहीं नहीं, तुम्हारी तरह चले जाने से मुझे आजादी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? इस महल में मेरा दम घुटता है। मैं दौलत की उलझनों से भागती हूँ, मैं अपने रूप से भागती हूँ जिसने तुम्हें परेशानी में डाल रखा है। लेकिन मैंने तुम्हारा ये रूप आज नहीं देखा, ये दौलत तुमने आज नहीं देखी। क्या तुम ये बता सकती हो ये उलझने कल क्यों नहीं थी, आज क्यों है? मैं नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, दौलत बहुत बुरी चीज है जिसके लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, प्यार भी, शादी भी। उषा, मेरे प्यार की तोहीन मत करो। मैं कोई फकीर या भिखारी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास दौलत तुमसे कम नहीं, मगर मैं तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। उषा, अगर मैं एक अदना और गरीब लड़की बन जाऊं तब भी क्या तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना कि अभी? मैंने तुम्हें बचपन से चाहा है, जब ये होश भी नहीं था कि दौलत क्या होती। ये नहीं जानता था कि जवानी में तुम्हारा रूप खिलकर क्या रंग लाएगा। उषा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं तुम्हें वैसे ही चाहूंगा जैसे कि आज। कुमार, कुमार।
दिल की बातें दिल ही जाने आंखें छेड़े साफ सुने नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं इरादे हैं आ आ आ मिलके दामन दामन से बांध ले आ आ मिलके दामन दामन से बांध ले दिल की बातें दिल ही जाने आंखें छेड़े साफ सुने नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं इरादे हैं आ आ आ मिलके दामन दामन से बांध ले आ आ मिलके दामन दामन से बांध ले दिल की बातें दिल ही जाने पड़ी या फुलझड़ी छूटी कहीं धड़कन बड़ी एक शोला सा लहरा गया हाँ हाँ ये नूर होगा तेरी आँखों में प्यार का या नगमा गूंजा होगा बहार का दिल की बातें दिल ही जाने आँखें छेड़े अफसाने नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं इरादे हैं आ आ मिल के दामन दामन से बांध ले आ मिल के दामन दामन से बांध ले दिल की बातें दिल ही जाने आश्रम से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं सुना है सरकार की शादी होने वाली है इसलिए इस खुशी के समय आपके सामने हाथ फैलाने आए हैं आप लोग चिंता मत कीजिए आप लोगों को चिंता मत डार्लिंग मेरी बेटी मेरी बेटी ये तुम क्या कह रही हो नहीं नहीं ये मेरी बेटी है तुम पागल हो गई हो एक गरीब की बेटी इस महल में कैसे आ सकती है अरे तू तो कुछ भी कहो ये मेरी बेटी किरण है डार्लिंग जानती हूँ मैं किरण मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी
ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो, ये मेरी बेटी है, ये किरण है। जब से हमारी बेटी गुम हुई है तब से इसके दिमाग को कुछ हो गया है। जिस लड़की को देखती है उसे अपनी बेटी समझ जाती है। ये किरण है, ये किरण मेरी बेटी, मेरी बेटी। तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। छोड़ो, छोड़ो। नहीं, 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 नहीं। सरकार, सरकार मैं झूठ नहीं करती हूँ। इसके पीठ पर देखिए काला निशान है। काला निशान तुम्हारी बेटी की पीठ के ऊपर है। पीठ के ऊपर नहीं है, ये राजकुमारी है। किरण है, राजमहल। चंदा मांगने आए, चंदा मांगने आए। ठीक है, चंदा मांगने आए। छोड़ो, छोड़ो। बेटी, बेटी की, किरण बेटी। अरे क्या कर रहा था? बेटी किरण, किरण, मेरी बेटी क्षमा कर दो। अरे छोड़ो ने। नहीं, मेरी किरण, किरण। अरे क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? जी, इनकी दवाई है मेरे पास। जब से हमारी बेटी गई है इनको चमकी, इनको 1000 रुपये दे। किरण कहाँ है? यही है। मेरी बेटी किरण कहाँ है? किरण, कितनी बेरहम लड़की होगी जो अपने इतने बूढ़े मां बाप को छोड़कर न जाने कहां रंगरलियां मना रही होगी। मर जाती तो अच्छा था। तुम इतना असर क्यों ले रही हो? मैं भी तो लड़की हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो मां बाप को छोड़कर चले गए और मुझे मां बाप छोड़कर चले गए। खैर, छोड़ो इन बातों को। सरकार, बड़े सरकार आए हैं। क्या डैडी आ गए? डैडी आ गए, चलो जल्दी। डैडी, ओ डैडी, ओ उषा, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। कम बेटा, कम कम। अरे ये क्या, नमस्ते। अरे गले लगो लाइक ओल्ड टाइम्स। चलो आ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाया। ओहो, इंडियन कस्टम, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बेटा शादी का फैसला इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मैंने कुछ नहीं किया डैडी, ये उषा को जल्दी थी। अच्छा किया बेटा, ये शादी से बहुत दूर भागता था। अच्छा किया। अच्छा वैसे शादी का सब इंतजाम हो गया? हो गया पिताजी। अजय सिंह जी, सरकार शादी की कुछ तैयारी वैयारी की कि नहीं? सरकार सब तैयारियां हो रही हैं। कहां हो रही हैं? हमें तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो अजय, कुमार मेरा इकलौता लड़का है और दूसरा पैदा होने का कोई चांस नहीं। सरकार आप फिक्र न कीजिए, राजा साहब जैसा अपना जिंदगी में सोचते थे प्रिंसेस की शादी उसी शान से होगी। वेरी गुड अजीत, वेरी गुड। बच्चों जरा एक मिनट मुंह उधर करो, एक मिनट के लिए। शाबाश, कुछ इसका भी इंतजाम किया कि नहीं? सरकार राजे महाराजों की शादी में ये तो बहुत जरूरी बात है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखना हम उस दिन सबको अपनी जवानी याद दिला देंगे।
उधर जाऊं है इधर है रात सुहानी देख के चिकने चिकने चेहरे बुढ़े पे आ गई जवानी जवानी पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए मैं तो करता रह गया शोर मेरा चले न कोई शोर देखो देखो रो कि मछली मेरे जाल से फिसली जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए हाय ओ हाय हाय मस्ती है मुस्कान के अंदर हलचल हर अरमान के अंदर इतनी फुर्ती जान के अंदर जैसे तीर कमान के अंदर मस्ती है मुस्कान के अंदर हलचल हर अरमान के अंदर इतनी फुर्ती जान के अंदर जैसे तीर कमान के अंदर अरे अरे आगे आगे मैं आऊं तो पीछे पीछे खिसकी जाए आगे आगे मैं आऊं तो पीछे पीछे खिसकी जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए का जल सरक गया है रूप का सूरज भड़क गया है देख कलेजा धड़क गया है जिसने देखा फड़क गया है आंख का जल सरक गया है रूप का सूरज भड़क गया है देख कलेजा धड़क गया है जिसने देखा फड़क गया है तौबा देख हिरनी जैसी चाल तबीयत मछली मछली जाए देख हिरनी जैसी चाल तबीयत मछली मछली जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए मैं तो करता रह गया शोर मेरा चले न कोई जोर देखो देखो रूप की मछली मेरे जाल से फिसली जाए पकड़ो पकड़ो रे जवानी मेरे हाथ से निकली जाए आज मैं बहुत खुश हूँ मेरा गाना कैसे लगा बहुत अच्छा था देखा कोई मुझे देखकर ये कह सकता है कि मैं 50 साल का 50 साल का बूढ़ा हूँ आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते हैं तो बहुत खुश होते खैर मैं जो हूँ अब बेटा तुम्हें ये बताना है कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगी मेरे पास कराओगे बाप की हैसियत से हमें भी तो अरमान पूरे करने हैं कुमार जितनी जल्दी मुमकिन हो उषा को लेकर वहां जाओ अरे भाई बाबू तो रिसेप्शन देनी है और फिर तुम लोग अपने हनीमून का प्रोग्राम बनाना है अच्छा मैं चलता हूँ
क्योंकि मेरा इसी वक्त जाना बहुत जरूरी है। इसी वक्त डैडी? हाँ बेटा, इसी वक्त जाना होगा। और देखो, आने से पहले इत्तला करना, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए शानदार इंतजाम करूंगा। जा, सो जा। अरे भाई जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ? नहीं हुई। अरे अब तो खाने का टाइम हो रहा है चमकी। सुबह हो गई है। अभी सुबह कहाँ, अभी तो रात बाकी है। नहीं, सुबह हो गई है। अभी रात बाकी। अरे बुड्ढे, समझता क्यों नहीं, वहां दो दिल धड़क रहे हैं और यहाँ तो घंटे पे घंटे बजाया जा रहा है। अबे घंटे, ये घंटा तुझे देता है मनादी के गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। उम्र की घड़ी कटा दी महाराज, कोई उपाय? अब आए जी, आए आए, आए। तो बेटा तेरा मस्तक तो हमने दे दिया। अब इस लड़की की रेखा, इसके खूबसूरत हाथ में जो है वो पंडित जी पहले अपने मंगल के घर में रखेंगे। महाराज ये कैसा ज्योतिष हो रहा है? अबे बुड्ढे, ये बुड्ढे को जवान लड़की से मिलाने का ज्योतिष है। पसंद आया? आया आया आया। तो फिर अपने शुभ हाथ से लड़की का दूसरा शुभ हाथ पंडित जी के फ्रिज के घर में रख दे। जल्दी कर, शुभ घड़ी निकली जा रही है। शुभ घड़ी निकली जा रही है, मैं कहता जल्दी करो। मुझे नहीं दिखा, शुभ घड़ी निकली जा रही है। आनंद आ गया महाराज, ये तो आप साफ साफ कन्या से गले लग रहे हैं। मैं तो उल्लू के पट्टे, तूने क्या समझा था किससे मिल रहे हैं? तू वही चोर है जिसको घर से बाहर निकाल दिया था, पकड़ो। अरे पहले फैसला करो, निकाल रहे हो या पकड़ रहे हो? पकड़ रहा हूँ। तो पकड़ने वालों को बुलाऊं? मैं बुलाऊ, पकड़ने वालों को बुला के लाता हूँ। पकड़ने वालों को पकड़ने गया है? पकड़ने वालों को पकड़ने नहीं, बुड्ढे तेरी अक्ल को पकड़ गया है। तेरी अक्ल को? मेरी अक्ल को पकड़ गया है? को याद ही नहीं
इतना याद है कि प्यास बढ़ गई बुझी नहीं, शबाब से सजा गुलाब में बसा, शराब से बना जवान बदन तेरा, इधर तो ला जरा के अभी दिल नहीं भरा, हसीन दिल रुबा। शर्म और लाज के सारे बंद खोल दे, मेरे अंग अंग में अपना प्यार खोल दे, ना हाथ यूं छुड़ा ना आंखें यूं दिखा ना चेहरा यूं छुपा कि मुझसे शर्म क्या, लिपट भी जा जरा कि अभी दिल नहीं भरा, हसीन दिल रुबा करीब आ जरा के अभी दिल नहीं भरा। हेलो प्रिंसेस उषा, गुड मॉर्निंग, कहिए रात कैसे गुजरी? शट अप। कुमार साहब कहाँ हैं? बाथरूम में हैं। देखिए आप ऐसा कीजिए, कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करवाने हैं, आप और कुमार साहब तैयार होकर सॉलिस्टर के ऑफिस में आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। समझी? फौरन आ जाओ। देखते हैं अब मुझ पर कैसे हुक्म चलाता है। मैडम प्लीज टाइप टू कॉपी दीजिए। थैंक यू। सॉरी मिस्टर अजीत, आप तो लूज पेपर की इधर उधर उड़ रहे हैं, क्या बहुत टेंशन है? लीजिए गो, 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 गोली खाइए। शट अप, गोली तो तुम्हें मार देनी चाहिए। डेफिनेटली चमकी, जल्दी से हमारा सामान पैक कर दो। सामान? हाँ हाँ, हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी करो। जी अभी करती हूँ। तो मैं मर्डर की तफ्तीश के लिए भेजा था और तुम ये शादी की रिपोर्ट लेकर चले आए हो? सर शादी भी तो मर्डर ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी से पहले राजकुमारी परेशान थी और शादी के बाद उनका सेक्रेटरी परेशान है। तो वहीं रहकर पता करना चाहिए था, यहाँ क्यों चले आए? सर चला नहीं आया, फिर निकाल दिया गया। ओ गॉड, तो इस बार तुम्हें फिर वहां जाना होगा और सही सही पता लगाना होगा कि वहां ऐसा क्यों हुआ। यस सर। और सुनो। यस सर। इस बार अगर तुम वहां से निकाल दिए गए तो मैं भी तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। सर मैं पुलिस ऑफिसर हूं या कि फुटबॉल हूं? शट अप एंड गेट आउट। यस सर। मैं तो भूल ही गया था तुम ये सब कुछ छोड़ चुकी हो ना, लेकिन डार्लिंग तुमने तो कमाल कर दिया, अपनी पसंद की हर चीज को एकदम से छोड़ दिया, सिगरेट, शराब, मटन, चिकन, डरे कि तुम हमें ना छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं?
हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए, मैं कुमार बोल रहा हूँ। जी मैंने आपको फोन करवाया था, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए। जी जरूरी कागजात पर आप दोनों के थाइन 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 करवाने हैं सर। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जी आपको मालूम नहीं? आपको फ्रेंसेस ने कुछ बताया नहीं? जी नहीं। वेरी स्ट्रेंज। खैर आप तशरीफ ले आइए, मैं आपका ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, मैं आता हूँ। जी थैंक यू सर। मुझे जाना होगा डाले। क्यों, किसका फोन था? जौहरी के कुछ बिल रह गए हैं जिनका अदा होना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, वापस आकर अदा कर देगी? नहीं डाले, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले यहाँ का हिसाब चुकता करके जाऊं। गरीब के घर कैसे आना हुआ सरकार? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा पूछता चलूं। आपकी लड़की का कुछ पता चला? नहीं सरकार, कुछ पता नहीं चला। भगवान जाने कहाँ चली गई, हम तो उसी के सहारे जी रहे थे। वो क्या चली गई सरकार, हमारे जीने का सहारा चला गया। हम दोनों बेमौत मारे गए सरकार। निराश मत होइए, भरोसा रखिए, अगर वो जिंदा होगी तो जरूर मिल जाएगी। आप लोगों ने पुलिस में इत्तला करवाई? जी नहीं, नहीं सरकार। आप लोगों को फौरन खबर करनी चाहिए थी। इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, मैं आप दोनों की परेशानी को समझता हूँ, रख लीजिए, इसे काम आएगा। भगवान आपको सुखी रखे सरकार। उस दिन आपने महल में कहा था कि आपकी बेटी के कांधे पर कोई निशान है। कांधे पर नहीं सरकार, पीठ पर पैदाइशी निशान है। अच्छा एक बात और बताइए, आपकी बेटी किस दिन से गायब है? दिवाली के दिन सरकार। दिवाली का दिन था। अच्छा अच्छा, दिवाली के दिन तो यहाँ पे स्विमिंग का, यानी मेरा मतलब तैराकी का बहुत बड़ा मुकाबला था। क्या आपकी बेटी ने उस मुकाबले में हिस्सा लिया? तैरना तो क्या सरकार, वो पानी के नजदीक भी नहीं जाया करती थी। एक बार बचपन में डूबते डूबते बची, जब से पानी से बहुत डरती थी सरकार। पानी से डरती थी? तुमने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कुमार को लेकर तुम वहां आई क्यों नहीं? इसलिए कि तुमने जो कुछ भी सोचा था अब वो नहीं होगा। आज तुम इतनी दिलेरी इसलिए दिखा रही हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम समझती हो कि कुमार तुम्हारा हो गया। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूं। तुम मुझे यहां सिर्फ दौलत के लिए लाए थे, और अब वो दौलत मुझे मिल चुकी है। हां मैं तुम्हें उस दौलत में से 10-20 लाख रुपए दे सकती हूं, मगर एक शर्त पे, कि वो दौलत लेकर तुम यहां से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ। ऑर्डर ना दीजिए राजकुमारी साहिबा, आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैंने ये इतना बड़ा खेल 10-20 लाख रुपए के लिए नहीं खेला है। मुझे इस महल की सारी दौलत चाहिए, और उसका एक ही रास्ता है कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए और कुमार से भी करवा दीजिए। उसके बाद आप और कुमार साहब जहन्नम में भी जाएं तो मुझे एतराज नहीं होगा। सॉरी डाले, आओ चलें। कुमार साहब माफ कीजिएगा, बहुत इंतजार करने के बाद मैं कागजात नहीं ले आया। मैं तो भूल ही गया था। अच्छा याद दिलाओ, कहाँ कर लेंगे? जल्दी जाए डाले, वापस आकर कर लेंगे। जब दस्तखत करने ही है तो फिर बाद में। क्या जी? मगर वापस आकर करने में हर चीज क्या है, चलो ना। डार्लिंग, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लो जी। क्या मैडम, तुम्हें दस्तखत कर दूं। लो। सॉरी अजी, इन कागजात को फिर से टाइप करवा लेना। ऑर्डर है।
तुमने तो कहा था डैडी के पास जाएंगे, फिर यहाँ क्यों आ गए? हाँ जाना तो था, मगर अब कैसे जा सकते हैं? कल पेपर जो साइन करने हैं। पेपर साइन तो वापसी के बाद भी हो सकते हैं। मगर अब देर करने से क्या फायदा? मैं चाहता हूँ वो दौलत तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए, जिसके लिए हमें इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी थी। दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। तो फिर मुझे आज ही ले चलो, अभी इसी वक्त। जाना तो है ही, मगर आज नहीं, कल। देखो ना मौसम कितना अच्छा, ऐसी खूबसूरत जगह छोड़ के जाने को दिल नहीं चाहता। कैसी सुहानी शाम है, कैसे कैसे फूल खिले हैं। देखो ये पंछी भी चेक चेक कर तुम्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। हम लोग शादी के बाद पहली बार यहाँ आए हैं ना, लेकिन फिर भी इन पंछियों ने तुम्हें पहचान लिया। कहाँ ले जा रहे हो? झील पर। झील पर? उषा क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं, इस झील पर दिन दिन भर कभी कभी रात रात भर प्यार के सपने देखा करते थे। कश्ती में बैठे बैठे सुबह हो जाया करती थी, पानी में रहते हुए भी दिल की प्यार। वो तो ठीक है, लेकिन शाम हो रही है, चलो घर चलें। ओ डार्लिंग, घर जाकर क्या करेंगे, चलो। नहीं नहीं नहीं। उषा, उषा, ये मुझे पानी में ले जाना क्यों चाहते हैं? समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं आज इसको पानी में लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि ये तैरना जानती है कि नहीं। वो एक लहर
दुनिया नहीं देखना। प्रिंसेस तो तैरने में एक्सपर्ट थी, कितनी ट्रॉफीज जीत चुकी, फिर समझ में नहीं आता कि वो कैसे डूबने लगी थी। मिस्टर अजीत सिंह, अक्सर तैराक ही डूबते हैं। मां साहब कैसे खतरे से बाहर है, उन्हें आराम की जरूरत है, आपको याद करना। देखो उन्हें जल्द से जल्द सोने की टैबलेट दे दीजिए। अच्छा जी साहब, मैं चलता हूँ, सुबह फिर हाजिर होगा। अरे ये डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा, तुम अभी तक बैठी हो, चल लेटो। नहीं, नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुबह कह देना, सुबह कह देना, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, मेरी बात तो सुनिए। देखो डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। मगर ये लो गोली लो, पहले चलो लो, अब लेट जाओ, लेट जाओ, चलो लेटो। अच्छा वादा कीजिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा, बस अभी आराम करो, फिर आंखें बंद करो, लेट जाओ। लड़की कोई और है। होश में आओ, होश में आओ। जब तैरना नहीं आता था तो पानी में गई क्यों, अपने साथ मुझे भी डुबो दिया। अब इससे पहले कि वो पुलिस को खबर करे, तुम्हें हमेशा के लिए उसे खत्म कर देना होगा, तुम्हें हमेशा के लिए उसे खत्म कर देना होगा। क्यों खत्म कर देना होगा? अपनी जान बचाने के लिए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सुन रही हो? मौत और जिंदगी में सिर्फ एक रात का फासला बाकी है। नाश्ते के वक्त उसे चाय में तुम्हें जहर देना होगा। नहीं नहीं, जहर देना होगा, जहर देना होगा, जहर देना होगा, जहर देना होगा, जहर देना होगा। मैं अपने पति को मार डालूंगी।
डर गई? ख्वाब देखा था क्या? बहुत डरा ना। डरो नहीं, सो जा। नहीं, मुझे छोड़कर से नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। कभी छोड़कर मत। नहीं जाऊंगा, सो जाओ। लेटो। आंखें बंद कर लो। बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले, पर मेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। मिट गया जिस पे ये हो गए मेहरबान, मिट गया जिस पे ये हो गए मेहरबान, हुस्न वालों की है बस यही दास्तां, कैसे कैसे न जाने दीवाने दिल, इन्हीं बेवफाओं ने तोड़ डाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। We'll be right back.
नहीं जान मन झूठ जाना नहीं जिक्र तेरा ये तेरा फसाना नहीं भोले भाले है इनकी सूरत मगर बड़े संग दिल हैं ये भोले भाले बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले पर तेरी बात कुछ और है बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले तुम लोग मैं लेता हूं ये क्या कर दिया डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा देखो सारा बदन थर थर कांप रहा है जाओ जाकर आराम करो पीते ही कुत्ता मर गया कभी कभी ऐसा भी होता है जी मैं आपका मतलब नहीं समझा कुत्ता इसलिए मर गया कि उस चाय में जहर मिलाया गया जहर किसके लिए मेरे लिए आपके लिए आपको जहर कौन दे सकता है मेरी बीवी प्रिंसेस उषा ये कैसे हो सकता है वो आपसे प्यार करती है वो आपको जहर क्यों देने लगी इसलिए कि वो असली प्रिंसेस नहीं है ये आप क्या कह रहे हैं वही कह रहा हूं जो असलियत है ये प्रिंसेस उषा नहीं है उसके भेस में कोई दूसरी लड़की है ओह हाँ अब शक तो मुझे भी होने लगा है आपके आने से पहले ये अजीब अजीब हरकतें किया करती थी ओह हाँ रात को उठकर भाग जाया करती थी सरकार अगर ये नकली प्रिंसेस है तो फिर असली प्रिंसेस कहां है? इसी बात का तो पता लगाना है जी हाँ अब याद आया उस रात को ये आपके सामने भागी थी तो बाहर कुछ अजनबी लोगों से बात कर रही थी हजूर मुझे यकीन है कि साजिश के पीछे किसी बहुत बड़े ग्रोह का हाथ है वरना एक अकेली लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है वो लोग कौन थे जिनसे ये बात कर रही थी जी पहचानता तो नहीं लेकिन ठिकाना जानता हूं जहां ये गई थी ठीक है तुम मुझे वहां ले चलो मुझे यकीन है कि उषा का पता मुझे वहां से मिल जाएगा आप तैयार होकर आइए मैं आपको ले चलता हूं ठीक है मैं भी आया सुनिए रिवॉल्वर या पिस्टल जरूर रख लीजिएगा हेलो ट्रंक कॉल फ्रॉम राजकर पीपी राजकिशोर मैं कुमार बोल रहा हूं मैं राजगढ़ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं इंचार्ज भूपेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग सर अभी अभी एक लड़की स्मगलरों के ग्रोह से बचाई गई जो अपने आप को प्रिंसेस उषा बतलाती उषा मगर उसके बुरे हाल और फटे हुए कपड़े देखकर पुलिस को कुछ शक हो रहा है क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंसेस उषा इस वक्त महल में है जी वो इस वक्त महल में नहीं है तो आप मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ ले आएंगे और राजकुमारी की शिनाख्त कर लेंगे आप उस लड़की को रोक के रखिए मैं बाय प्लेन एक घंटे में पहुंचता हूं थैंक यू वेरी मच वी विल डू दैट अजीत सिंह अजीत सिंह असली प्रिंसेस का पता चल गया मैं उसे लेने जा रहा हूं कहां है वो मैं फिर बताऊंगा अभी वक्त नहीं है पुलिस का फोन आया था पुलिस का मुझे वहां जल्दी ही पहुंचना है तुम एक काम करो फरमाइए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इस लड़की को महल से बाहर जाने नहीं देना आप फिक्र ना कीजिए ठीक है Thank you.
कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत जरूरी काम है, बस दो तीन घंटों में आ जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। डालें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी चलूंगी। ओफो, प्लेन का सफर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन देखो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, उसके बाद हम लोग डैडी को मिलने जाएंगे, ठीक है? क्या चुन रही हो? शीशा टूट चुका है। तस्वीर तो सलामत है। असली तस्वीर मिट चुकी है। कुमार साहब प्लेन के हादसे में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। पेपर की न्यूज गलत नहीं हो सकती। सब कुछ तुमने किया है। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। जो काम तुम ना कर सकी वो हमने पूरा कर दिया। तूने मेरे पति की जान ली, जलील कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। जा यहां से। नहीं जाऊंगा, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़, बुड्ढे। कौन हो तुम? जिसके पास कैमरा होता है वो कैमरामैन होता है। तुमने मेरी इसके साथ गंदी फोटो क्यों खींची? अब मैडम, बात यह है कि आजकल अच्छा फोटो खींचने के अंदर बहुत गंदा कंपटीशन हो गया, इसलिए हम बहुत गंदा फोटो खींचकर बहुत अच्छा माल बना लेता है। देखो, तुम सीधे से हमारी फोटो वापस कर दो। करेगा, मगर हमारा ब्लैकमेल का एक शर्त है। शर्त? यस, तुम अच्छा प्रिंसेस को हमसे मिला दो, हम तुम्हारा गंदा फोटो वापस करेंगे। तो इसका मतलब है कि तुम ब्लैकमेलर हो? वेरी ब्लैक ब्लैकमेलर। बोलो, हमारा शर्त मंजूर, वरना ये फोटो हम अखबार में छपवा देगा। अच्छा अच्छा, मैं उनसे मिलवा देती हूँ। वाइज गर्ल, वाइज वाइज गर्ल। इस कागज की तस्वीर को पूजने से बेहतर है कि इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तमाम जरूरी कागजात कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी। पागल ना बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस दौलत को हासिल करने के लिए मैं दो खून कर चुका हूं, और दो खून कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे बाप को खत्म कर दूं, जो इस वक्त मेरी कैद में। तुम्हारी मां इस गम से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे बाप को किस तरह मारूंगा।
राजकुमारी साहिबा। नहीं बापू, मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ बापू। बेटी? बापू यहीं से जी भर कर देख लो, क्योंकि फिर जिंदगी में इसकी सूरत देखने को तरस जाओ। जानती हो इसका क्या हशर होगा? मेरे पापा को मत मारो। अगर तुम अपने बाप को इस भयानक मौत से बचाना चाहती हो तो कागजात पर दस्तखत कर दो। कर दूंगी, मगर मुझे वचन दो, मेरे बाबू पर आज भी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लेकिन इससे कह दो कि तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे बाबू। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ये लो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं किसी से कुछ नहीं सिग्नेचर तो बिल्कुल वैसे किए जैसे सिखाए थे। थैंक यू प्रिंसिपल ऋषभ। Thank you.
मोड़ेंगे ना दिल तोड़ेंगे सर। तो फिर इस महल की दौलत में मेरा हिस्सा भी होगा? हिस्सा क्यों, सब कुछ तुम्हारा होगा अगर तुम अपना ये हुस्न और जवानी मेरे हवाले कर दो आज इसी वक्त। ऐसे नहीं, शादी के बाद। शादी? तुम्हारे मरे हुए शौहर के शोक के दिन भी पूरे नहीं हुए, दुनिया क्या कहेगी? हुस्न जवानी और दौलत के होते हुए मरे हुए की कौन परवाह करता है? शादी चुपचाप होगी और कल होगी। शादी का ऐलान हमारी मर्जी से होगा। पर निकल आए। राजा साहब, आपने आने की इत्तला नहीं की? ऐसे मौके पर इत्तला देने की क्या जरूरत है? राजकुमार का गम कोई छोटा गम नहीं। सोचे थे तुम अकेली होगी, किसी हमदर्द की जरूरत होगी। जो होना था सो हो चुका, अब अफसोस कहां तक करूंगी। जीने के लिए फूल ही नहीं चुनने पड़ते हैं, बल्कि कांटे भी हटाने पड़ते हैं। लेकिन यह गम तो अभी ताजा है, 13 दिन भी नहीं हुए। आप 13 दिन कह रहे हैं? दुनिया तो मिनटों में बदल जाती है। वो तो देख रहा हूं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, लेकिन दुनिया के बदलने से गम नहीं बदल जाते। मैं जानती हूं, लेकिन रोकर जीने से क्या फायदा? गम का इलाज गम से नहीं बल्कि हिम्मत से होता है। आप थके हुए होंगे, आराम कीजिए, हम थोड़ी ही देर में आते हैं। तुम राजा साहब को देखकर कुछ घबरा से गए थे। घबरा? बातें कुछ ऐसी है, लेकिन तुम मेरी एक बात तो सुनो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, चलो मेरे साथ। गाड़ी बहुत तेज चला रही हो। और तेज करूं? डरते हो? मैं कहता हूं आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ। नहीं, मैं डर रहा हूं। गाड़ी आहिस्ता करो, होश में तो हो, पागल हो गई हो क्या? अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हूं। तुम उससे शादी करना चाहते थे ना? मैं कहता हूं गाड़ी रोको। गाड़ी अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जाकर रुकेगी। उषा, गाड़ी रोको। दूसरों की जिंदगी से खेलने वाला अपनी मौत से कितना डर रहा है? बुस्ते। Thank you.
राजा साहब, यूं तो राजकुमारी खतरे से बाहर है, मगर मुझे अफसोस है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि उन्हें घर ले जाइए और पुरानी बातें याद कराइए, हो सकता है उनकी याददाश्त वापस आ जाए। थैंक यू। ये किसकी तस्वीर है? तुम्हारी। मेरी? और ये? इनसे तुम्हारी शादी हुई थी। शादी? मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। याद करो, क्या तुम्हें याद नहीं? यही कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, फूलों की सेज मुस्कुरा रही थी, सुहाग रात की भीनी भीनी खुशबू से अरमानों की दुनिया महकी हुई थी। तुम शर्माई, लज्जाई, सेज की तरफ बढ़ रही थी। लड़की अपनी जिंदगी की सुहाग रात कभी नहीं भूलती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ तुम, तुम्हारी याददाश्त नहीं खोई, मेरा सब कुछ खो गया। राजकुमारी कहाँ है? कहाँ है इसकी राजकुमारी? कौन सब कुछ जानती हूँ। रो भाई, मगर तुम वो नहीं हो। तुम दौलत के लिए यहाँ आई। मैं तुम्हें सारी दौलत दूंगा, जो तुम मांगोगी मैं तुम। राजकुमारी लौटा दो, राजकुमारी लौटा दो। असली राजकुमारी कुमार साहब, अगर आप यकीन से कह रहे हैं कि ये प्रिंसेस नहीं, तो फिर असली कहाँ है? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं, मगर इंस्पेक्टर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप उस लड़की को गिरफ्तार कर लेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन कुमार साहब, ऐसी लड़की को गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं जो अपनी याददाश्त खो बैठी हो। वो सब एक्टिंग है इंस्पेक्टर, सब एक्टिंग। एक मिनट, देखिए ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, ये झूठी नहीं हो सकती। मैं मजदूर हूं, अगर आप हमारी कुछ मदद करना चाहें तो मुमकिन है। किस किस्म की मदद? महल के कुछ कमरों को ठंडा रखने के लिए राजा साहब बर्फ मंगवाया करते थे। जब से महल को एयर कंडीशन किया गया, बर्फ का जाना बंद हो गया, लेकिन कुछ अरसा से बर्फ की गाड़ियां फिर से महल की तरफ जाती हुई देखी गई, और वो भी सर्दियों के दिनों में। क्या आप हमें इसकी वजह बता सकते हैं? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं बता सकता इंस्पेक्टर, लेकिन जल्दी ही मालूम करके बता दूंगा। Thank you.
राजा साहब, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, प्रिंसेस की हालत देखकर परेशानी के सिवा और क्या होगा। लेकिन इतनी परेशानी की क्या जरूरत है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। अब वो क्या अच्छी होगी, अच्छी होगी। सिगरेट बताइए राजा साहब, ये सिगरेट केस तो कुमार साहब का है। जी जी, आपने पाइप छोड़कर ये सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? तमाकू खत्म हो गया था, आप मंगवा देंगे मुझे? मंगवा क्या देंगे, मैं खुद लाए देता हूं। थैंक यू। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं कुमार बोल रहा हूँ राजमहल से। जी, मैंने प्रिंसेस उषा की लाश इसी महल में पाई, अब फौरन राजमहल आ जाइए। वो लाश इंस्पेक्टर, मैंने अभी अभी यहीं देखी थी, यहां देखी थी इंस्पेक्टर, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, सब पता चल गया है कि तुम कौन हो। सच सच बताओ, असली राजकुमारी कहां है? कौन राजकुमारी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, बनने की कोशिश ना करो, अभी मालूम हो जाएगा तुम कौन। मैं जानती हूं ये कौन है। किरण, किरण, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। क्या कर रही है ये, क्या कर रही है बेटी? छोड़ो मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कोई माँ नहीं, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रही, मैं तेरी माँ हूँ बेटी। माँ गरीब और बेटी राजकुमारी। मैं सच कहती हूँ, मेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। तुम्हारी माँ है? नहीं। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, बताओ कहाँ है लाश, कहाँ है लाश? किसकी लाश? राजकुमारी की लाश। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, आप इस लड़की को नहीं जानते, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, बताओ। राजकुमारी की लाश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? इसलिए कि आपने प्रिंसेस का खून किया है। खून? राजा साहब, मैं सच कहती हूँ, मैंने खून नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ राजा साहब। हाँ, ये होनी है, यही मुझे याद आया था, ये होनी है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अमर, बकवास बंद कर, ये सब झूठ है, ये सच है। खूनी ये नमक हराम अजीत है। नेरी राजा साहब, आपके पास क्या सबूत है कि खूनी मिस्टर अजीत सिंह है? सबूत, इस राजमहल के तहखाने में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है जो हर आने जाने वाले की तस्वीर खींचता है। इसे प्रिंसेस उषा के फादर ने लगाया था, जिसका इल्म सिर्फ मुझे है। ये तस्वीर साबित करती है कि खूनी अजीत सिंह है। इंस्पेक्टर, फोन गिरफ्तार करिए इस आदमी को। सरकार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस लड़की को गोली मार दूंगा। आप अपने डैडी का रूप बदलकर दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। शुक्र कीजिए कि आपकी जान सलामत है। कुमार, अजीत सिंह, खबरदार कुमार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। दौलत यहां से जा चुकी है, ये लड़की मैंने तुम्हें दी थी, ये भी यहां से जा रही है। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। नहीं, ऐसा ना करो, सरकार मेरी बेटी बचा लो, बचा
राजा साहब आप बेच कर चलिए। राजा साहब जिस तरह आपको उस खुफिया कैमरे का मालूम था उसी तरह मुझे भी प्रिंसेस उषा की सिस्टर जो बचपन में गुम हो गई थी उसका पता था और वो यही लड़की है जिसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। राजकुमार पर नजर रखो, अगर वो आए तो उसे खत्म कर दो। जी हुजूर। Thank you.
इस बोट के करीब कोई भी आने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। यस सर। और इंजन जल्दी चलवाओ। यस सर। चलो, तुम्हारी मदद को अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। चलो। ये हीरे जवाहरात, ये सोना, ये जेवरात, ये सब आज मेरे हैं। कुछ भी कहो, जीत आकर अजीत की हुई। चंद ही घंटों में ये कश्ती समुंदर से जा लगेगी, जहां मैं जहाज में बैठकर हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने ये दौलत हासिल करने में मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें निराश करना नहीं चाहता। आओ, ये चंद घंटे प्यार और मोहब्बत में गुजार दें। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुमार को अब तक मेरे आदमी खत्म कर चुके होंगे, और अगर उसके बूढ़े बाप ने आने की कोशिश की तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। Thank you.
रहे मैं वो कहूँ, साया बनूं संग संग रहूं, तू और मैं अब एक है। मैं गीत बन के तेरे होठों को चूम लूं, सपना बन के इन आँखों में झूम लूं, दिल की बातें दिल ही जाने आंखें छेड़े